हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक उड़ती उड़ती खबर की, जिसका अभी तक कुछ भी मालूम नहीं चला है, लेकिन आपको बता दें जितनी भी जानकारी हमको मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है जैकलिन की। जी हाँ, उनकी एक फोटो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें उनकी लव बाइट भी साफ साफ दिखाई दे रही है। ये फोटो है उनकी सुकेश के साथ। अब सुकेश के साथ वो तो बताती है कि मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था। सो नॉर्मल सी बात है, अगर रिलेशनशिप नहीं था तो ये लव बाइट कहाँ से आया है। और वो लगातार मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी फोटोज को वायरल ना करें, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हैं और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी फोटोज को वायरल ना करें। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्ट्रेस है जिनको लेकर स्पॉट किया जा रहा है कि लव बाइट मेरी ही नहीं, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जिनकी लव बाइट हमेशा से देखने को मिली है। और इनमें सिर्फ सेलिब्रिटी यानी कि एक्ट्रेसेस नहीं है, यहाँ पर एक्टर भी मौजूद है। यहाँ पे सलमान खान को लेकर शाहरुख खान भी मौजूद है, जिनके गर्दन पे से स्पॉट हुए हैं लव बाइट के निशान। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जैकलिन के साथ रिलेशनशिप में नहीं है अगर सुकेश, तो लव बाइट कहाँ से है। और साथ ही सारा अली खान का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो उनके गर्दन पे लव बाइट कैसे आई, तो आपको डिटेल से बताते हैं ये सारी खबर। जी हाँ, तो बता दें आपको, जैकलिन फर्नांडिस का नाम 200 करोड़ की ठगी के सरगना सुकेश चंद्रशेखर के साथ सामने आया है। सुकेश के साथ जैकलिन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिनमें एक्ट्रेस आरोपी के साथ इंटीमेट होती नजर आई है। हाल ही में जैकलिन और सुकेश की एक नई फोटो सामने आई है, जिसमें दोनों इंटीमेट होते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान जैकलिन के गले पर लव बाइट भी दिख रही है। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड सेलेब्स के बदन पर लव बाइट के निशान मिले हैं। पहले भी कई स्टार्स की लव बाइट वाली फोटो सामने आ चुकी है। इनमें सैफ अली खान, करीना कपूर से लेकर उनकी बेटी सारा अली खान तक शामिल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जैकलिन फर्नांडिस के बारे में ही। जैकलिन फर्नांडिस की सुकेश चंद्रशेखर के साथ लीक हुई फोटो में वो बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही है। फोटो में सुकेश चंद्रशेखर उन्हें नोज पर किस करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनके गले पर भी लव बाइट का निशान साफ नजर आ रहा है। करीना कपूर की बात करें तो करीना कपूर जब सैफ अली खान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, तभी उन्होंने एक बार वाइट कलर की बैकलेस ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में करीना की पीठ पर बने लव बाइट के निशान मीडिया के कैमरों में कैद हो गए थे। वहीं पर शाहरुख खान की बात कर ली जाए तो शाहरुख खान भी लव बाइट के साथ स्पॉट हो चुके हैं, जिससे उनके लव बाइट की फोटो कैमरे में कैद हो गई थी। बता दें कि शाहरुख खान जल्दी फिल्म पठान में नजर आने वाले हैं। वहीं पर यहाँ फोटो सामने आ रही है दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण शादी से पहले रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी। उन दिनों दीपिका पादुकोण की एक फोटो ने सभी का ध्यान खींचा था। इस तस्वीर ने रणबीर और दीपिका के रोमांटिक रिश्तों की पोल खोल दी थी। हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया और दीपिका ने रणबीर से शादी कर ली। प्रियंका चोपड़ा भी लव बाइट के साथ स्पॉट हो चुकी है। वैसे प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस भी लव बाइट के साथ दिख चुके हैं। प्रियंका इस समय कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रही है। अब बात कर लें यहाँ पर सैफ अली खान की, तो बता दें कि सैफ अली खान की गर्दन के नीचे भी लव बाइट का निशान मिल चुका है। हालांकि ये किस्सा काफ़ी पुराना हो चुका है। सैफ अली खान जल्द ही फिल्म आदि पुरुष में लंकेश के रोल में नजर आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे चौंकाने वाली बात होने जा रही है कैटरीना कैफ की। कैटरीना कैफ इन दिनों विकी कौशल संग अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। हालांकि एक बार कैटरीना कैफ के बदन पर लव बाइट के निशान मिले थे। ये बात उनके करियर के शुरुआती दौर की है। यानी कि मान लिया जाए इस बात को कि कैटरीना कैफ पहले भी किसी न किसी के साथ इंटीमेट हो चुकी है। माहिरा खान, पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान कुछ साल पहले स्टार रणबीर कपूर के साथ न्यूयॉर्क की गलियों में इस तरह घूमती नजर आई थी। इस दौरान माहिरा खान की पीठ पर लव बाइट के निशान साफ नजर आ रहे थे। मलाइका अरोड़ा हॉट और शॉर्ट ड्रेसेस के लिए मशहूर है। कई बार उन्हें लव बाइट के साथ देखा गया है। मलाइका 48 साल की है और अर्जुन कपूर को डेट कर रही है। 36 साल के अर्जुन कपूर अपने से 12 साल बड़े मलाइका अरोड़ा को लेकर काफ़ी सीरियस है। इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात तो सारा अली खान के लिए है। जी हाँ, सारा अली खान की डेटिंग र्यूमर्स तो कई बार सामने आ चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कार्तिक आर्यन के साथ भी उनका नाम जुड़ चुका है। एक बार सारा अली खान की ऐसी फोटो सामने आ चुकी है, जिसमें उनकी गर्दन के नीचे लव बाइट का निशान दिखाई दे रहा है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंगना रनौत की। जी हाँ, बता दें आपको, कंगना रनौत ने जब करियर की शुरुआत की थी तो उनका अफेयर आदित्य पंचोली और ऋतिक रोशन से था। इस दौरान उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें लव बाइट साफ तौर पर नजर आ रही थी। ये तो थे वो मामले जिनके लव बाइट के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे, और जिनकी शादी हो चुकी थी और जिनकी शादी नहीं भी हुई थी। लेकिन यहाँ दोबारा से बात कर लेते हैं शुरुआत से जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर की, कि आखिरकार ये पूरा किस्सा क्या है। हाल ही में सुकेश के साथ जैकलिन फर्नांडिस की प्राइवेट फोटोज लीक हो चुकी है। जैकलिन ने इस पर रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस इस बात से काफ़ी दुखी नजर आ रही है। उन्होंने अपने मीडिया फ्रेंड से गुजारिश की है कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखें। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के लिए पिछला कुछ समय मुश्किलों भरा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर केस में नाम आने के बाद से जैकलिन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में सुकेश संग एक्ट्रेस की एक पर्सनल फोटो सामने आई है। जैकलिन ने इस पर रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस इस बात से काफ़ी दुखी नजर आ रही है। जैकलिन फर्नांडिस ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इस देश ने और इस देश के लोगों ने मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार दिया है। इसमें मीडिया से मेरे फ्रेंड शामिल है जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं मौजूदा समय में एक बुरे वक्त से गुजर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इससे बाहर निकलते हुए देखेंगे। मेरे और मेरे मीडिया फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखें और मेरी पर्सनल फोटोज़ ऐसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट ना करें। आप ऐसा करेंगे करीबी और जिस लोगों के साथ नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा मेरे साथ नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि न्याय की जीत होगी। शुक्रिया। जैकलिन फर्नांडिस के लिए साल 2021 काफ़ी बुरा रहा। एक्ट्रेस का नाम ठग सुकेश चंद्रशेखर संग जुड़ा। इसके बाद से ही उन्हें ईडी के इन मामलों में कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। मगर जैकलिन की मुश्किलें तब बढ़ गई जब सुकेश चंद्रशेखर संग जैकलिन की कुछ तस्वीरें सामने आई। ईडी से पूछताछ के दौरान जैकलिन फर्नांडिस ने कई सारे खुलासे भी किए हैं। जैकलिन के खिलाफ ईडी ने लॉकआउट नोटिस भी जारी किया था, जिसके मद्देनज़र उन्हें देश छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं थी। जैकलिन ने ईडी से इस बारे में रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें भारत से बाहर जाने की अनुमति दी जाए, मगर ईडी ने इस साफ तौर पर इनकार कर दिया। जैकलिन के अलावा इस मामले में एक्ट्रेस नौरा फतेही का नाम भी आया है। ईडी की माने तो जैकलिन और नौरा को सुकेश ने कई सारे गिफ्ट्स दिए हैं। नौरा से भी पूछताछ कर चुकी है ईडी। इसके अलावा इस लिस्ट में और भी बॉलीवुड एक्ट्रेस और जिसमें भविष्य में ईडी पूछताछ कर सकती है। लेकिन बता दें कि इस तरह के केस तो लगातार सामने आ ही जा रहे हैं। लेकिन बात अगर फ़ोटोज़ की हो रही थी तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके फ़ोटो अलग अलग तरह के वायरल होते ही रहते हैं। वो चाहे शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो, लेकिन ये फ़ोटो काफ़ी चौंका देती है, क्योंकि इतनी पर्सनल फ़ोटोज़ ऐसे वायरल करना ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। लेकिन जिस तरह से अभी जैकलिन परेशानियों से गुजर रही है, तो आप लोगों का इस चीज़ पे क्या कहना और ये फ़ोटोज़ को देखकर क्या रिएक्शन है आपका, ये तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं, और हमारी कौन सी जानकारी आपको अटपटी लगी है या फिर आपको अच्छी नहीं लगी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट9 लाइफ।